नमस्कार। पंचांग के माध्यम से नामकरण संस्कार कैसे करें? तिथि वार नक्षत्र जोग करण इत्यादि हमें लग्न याद न हो, वैसी स्थिति में नामकरण करने के लिए सबसे आसान तरीके हैं, जिसे आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। कोई भी पंचांग आप जो रखते हैं, जैसे मैं हिसी के इस पंचांग आपके सामने रखा हूँ, इस पंचांग के माध्यम से हम बताते हैं कि नामकरण कैसे करेंगे, बालक का नाम कैसे रखेंगे। उसके लिए हम लोग को ध्यान देना होता है। आप ये भी ध्यान रखें कि यदि आपको नामकरण संस्कार का जो नियम है, यदि वह तिथि नक्षत्र वार या लग्न आपको याद न हो, तो बगैर याद के भी आप पंचांग के माध्यम से एक सरल तरीका है जिसे आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो चलते हैं अपने विषय पर और उसको ध्यान देते हैं कि कैसे नामकरण आसानी से हम सीख पाएंगे या समझ पाएंगे या दूसरे को बता पाएंगे। जैसे देखिए, माघ शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है यहाँ। हर एक पेज पर जो मास होता है, मास के बाएं साइड में आपको कृष्ण पक्ष लिखा रहता है, दाहिने के पेज पर शुक्ल पक्ष लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ माघ शुक्ल पक्ष है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तारीख कि ये पक्ष जो है कितने तारीख से कितने तारीख तक चल रहा है। यह दिनांक 22 जनवरी से दिनांक 5 फरवरी तक का ये पक्ष है, यानी शुक्ल पक्ष है माघ का। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमको नामकरण संस्कार कैसे करें। तो जैसे नामकरण के लेकर के एक मुहूर्त भी पहले डाला गया है, चाहे आप लोग भी देखते होंगे, समझते होंगे कि नामकरण संस्कार के कौन नक्षत्र, कौन वार और कौन तिथि होते हैं या कौन लग्न शुभ माने जाते हैं। तो इस सब के बारे में तो पहले भी वीडियो डाला जा चुका है। जैसे मुहूर्त के बारे में मैंने बहुत वीडियो डाला है, आप लोग देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। तो जैसे मान लीजिए आज ये वीडियो थोड़ा हट के उससे है, क्योंकि उसमें हम लोग नक्षत्र, तिथि और वार इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन आज जो हम लोग सीखने की कोशिश जो करना है वह है कि बिना तिथि, बिना नक्षत्र के याद होते रहते हुए भी हम पंचांग के माध्यम से हम नामकरण का संस्कार का विधि जान सकते हैं। तो ऊपर में जो ये सही सारी बातें लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो तिथि के बारे में और अन्य बातें लिखी हुई है, उसको छोड़ करके नीचे में आप सीधे चले जाएंगे। किसी भी मुहूर्त को जानकारी करना हो तो आप नीचे चले जाइए, जहां यहाँ लिखा रहता है पक्षे अश्विन विविध मुहूर्ता, यानी अनेक प्रकार के मुहूर्त यहाँ दिए रहते हैं। इसमें सभी पक्ष के तिथि के नाम दिए रहते हैं, जैसे तिथि एकम रविवार यानी प्रतिपदा, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो तिथि द्वितीया सोमवार घनिष्ठा नक्षत्र, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 15 तिथि की विवरण यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो हम लोग देखते हैं पंचमी तिथि है गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस दिन हमारे कौन कौन से मुहूर्त निकल सकते हैं? ऐसे मुहूर्त हैं पुष्वन सीमंत, यहाँ पर देखे जात कर्म नामकरण, शिशु तांबुल भक्षण इत्यादि और मुहूर्त हैं, लेकिन हम लोग नामकरण के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो तिथि पंचमी गुरुवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नामकरण संस्कार आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक पक्ष हुआ यहाँ पर माघ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष में हम नामकरण करते हैं तो किस दिन शुभ है? यहाँ देखिए पंचमी गुरुवार के दिन आप नामकरण कर सकते हैं, उसके बाद षष्ठी शुक्रवार के दिन जो आपका रेवती नक्षत्र है उस दिन आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं। जैसे इसमें स्पष्ट में दिया हुआ है कि जातक नामकरण, जात कर्म नामकरण षष्ठी के दिन भी कर सकते हैं, और आगे देखिए यहाँ अष्टमी है, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो नौमी तिथि भी मिलेगा, दसवीं भी मिलेगा, देखिए नौमी, दसवीं, एकादशी, उसी प्रकार यहाँ देखिए त्रयोदशी तिथि पर आप जब जाते हैं तो यहाँ देखिए शुक्रवार है, यानी त्रयोदशी तिथि शुक्रवार प्रातः 6:38 के उपरांत शाम को 6:44 पुनर्वस नक्षत्र में आप जातक का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। यानी तीन तिथियां यहाँ पर आपको मिल गई इस पक्ष में, यानी पंचमी तिथि गुरुवार, षष्ठी तिथि शुक्रवार और त्रयोदशी तिथि शुक्रवार। इन तीन दिनों में आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं।
इसमें आपको कोई भी मुहूर्त की जानकारी ना हो, कुछ भी आपको याद ना हो, या आप जो कॉपी या डायरी में नामकरण संस्कार के मुहूर्त के बारे में क्या नियम होते हैं, कौन नक्षत्र, तिथि, वार, योग या लग्न कौन शुभ होता है, वो यदि याद न हो तो आप पंचीसी पंचांग में हर एक पक्ष के पंचांग में ये पंक्ति पक्षे अश्विनम विविध मुहूर्त दिया हुआ रहता है, उसमें 15 दिन के एक पक्ष, जो 15 दिन के एक पक्ष होते हैं, उस पक्ष में आप अलग अलग देख सकते हैं जिस मुहूर्त से संबंधित आपकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमने आज ये ध्यान देकर देखा कि यहाँ पर माघ शुक्ल पक्ष में पंचमी, षष्ठी और त्रयोदशी तिथि जो है, इस दिन हम लोग नामकरण कर सकते हैं। जैसे एक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पंचमी तिथि गुरुवार, उत्तर भाद्र पद जो नक्षत्र है उस दिन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पंचमी तिथि के दिन, यहाँ पंचमी गुरुवार है, नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपद है, यानी ये कितना देर से कितना, कब से कब तक रहता है, उसके लिए हम लोग देखें पूर्व भाद्रपद की समाप्ति 1:33 रात में, यानी बुधवार को ही चतुर्थी तिथि को ही हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी, पूर्व भाद्रपद समाप्त हो चुकी है, उसके बाद उत्तर भाद्रपद का प्रारंभ होता है। तो उत्तर भाद्रपद गुरुवार पंचमी के दिन रात में 12:40 तक है, यानी पूरे दिन आपको नामकरण संस्कार करने का समय यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको लग्न इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जो पंचांग के निर्माण करता है वो स्पष्ट कर दिए हैं कि इस दिन आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं, वो शोध करके वो निकाल चुके हैं और उसी के आधार पर यहाँ दिया हुआ रहता है, यानी आपको कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे भी आप काम चला लेंगे और आप अपना नामकरण संस्कार कर सकेंगे। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।